नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा पीके ने ठुकराई कांग्रेस की पेशकश। ट्वीट कर पीके ने कहा कि मेरे शामिल होने से ज्यादा कांग्रेस के नेतृत्व की जरूरत, सामूहिक इच्छा शक्ति की भी कही बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा आरोप, पीएम नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक के कारण देश के 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी है। ट्वीट कर कहा कि न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। महाराष्ट्र में राजद्रोह केस में गिरफ्तार राणा दंपत्ति को सेशन कोर्ट से भी नहीं मिली जमानत। 29 अप्रैल को कोर्ट करेगी फिर सुनवाई। गृह मंत्रालय ने गिरफ्तारी से राज्य सरकार से तलब की रिपोर्ट। देश में कोरोना के हालात पर बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे समीक्षा बैठक, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बात। अब 6 से 12 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। डीसीजीआई ने बायोलॉजिकल ई की कॉर्बोवैक्स और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत। लुधियाना मलेरकोटला मार्ग पर गांव जमात के पास सोमवार को एक कार के नहर में गिरी और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। एक सुरक्षित पुलिस ने कहा कि कार तेज रफ्तार में थी और डिवाइडर से टकराकर नहर में जा गिरी। खरगोन में भाजपा सांसद गजेंद्र पटेल का भड़काऊ बयान, युवाओं से कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना, रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी का किया जिक्र। बकवास वाले बयान पर घिरे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है और बोले संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा विशेष अधिकार हनन का लाएंगे प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में अब नहीं होगा कोई नया निर्माण, सीएम शिवराज का बयान, आवारा पशुओं पर लगेगा 1000 का जुर्माना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाकाल मंदिर कॉरिडोर के परिसर का जो काम चल रहा है वह लगभग पूरा होने वाला है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से इसका उद्घाटन करने का अनुरोध किया है, उन्होंने अनुरोध स्वीकार कर लिया। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। पूर्व भाजपा सांसद किरण सोमैया का दावा, मुंबई के खार थाने में उनके नाम से एक फर्जी प्राथमिकी दर्ज की गई और इस एफआईआर पर उन्होंने हस्ताक्षर भी नहीं किए। दिल्ली और पंजाब के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट, बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को सक्षम बनाने के लिए हुआ दोनों राज्यों के बीच समझौता। राजस्थान में अलवर जिले के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले में अधिकारी पर गिरी गाज, राजगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी को किया गया निलंबित। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई और आसपास के उपनगरों के कई इलाकों में मंगलवार सुबह बिजली गुल हो गई, ट्रांसमिशन लाइन में तकनीकी खामी की आशंका। मध्य मुंबई के कुछ हिस्सों के साथ साथ भांडुप मुलुंड जैसे उपनगरों और ठाणे तथा डोंबिवली के आसपास के शहरों में लोग परेशान। अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्मियों की छुट्टी के बाद सुनवाई करने पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इतने गंभीर मामले को गैर कानूनी तरीके से खत्म किया गया है, मैं उम्मीद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगी। कनाडा के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हमने फेस मास्क पहना अनिवार्य करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का निर्णय लिया है। हम 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद केंद्र सरकार की सलाह के आधार पर आगे कदम उठाएंगे। पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी परिसर में विस्फोट, कार में हुए विस्फोट में 2 चीनी नागरिकों समेत 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। 2 दिन की गिरावट के बाद फिर चढ़ा शेयर बाजार, 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 777 अंक की बढ़त के साथ 57,357 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 247 अंक की बढ़त के साथ 17,201 अंक पर हुआ बंद। फिल्म भूल भुलैया 2 का ट्रेलर रिलीज, हॉरर और ह्यूमर का कॉकटेल आया नजर, कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू अभिनीत फिल्म 20 मई को होगी रिलीज। ट्विंकल खन्ना की शॉर्ट स्टोरी सलाम नोनी अप्पा पर बनेगी फिल्म, सोनल डबराल होगी फिल्म की डायरेक्टर। यदि फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रही हमारे साथ, विजिट कीजिए वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।